फ्रेंड्स वेलकम टू माय लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ एजिटेटर्स फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम अलग अलग तरीके के एजिटेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे केमिकल रिएक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं बिकॉज हर एक एजिटेटर का एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है सो तो हम वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए सो so फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ एजिटेटर्स एजिटेटर का रोल क्या होता है सो so फ्रेंड्स सबसे पहले एजिटेटर्स का, का काम रहता है होमोजेनियस मिक्सिंग करवाना सोल्यूशन में लाइक like हम दो तीन रिएक्शन हमने ऐड कर दिए अगर प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग नहीं होगी तो क्या एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन नहीं बनेगा तो इसका काम रहता है एक प्रॉपर तरीके से होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करना सेकेंड ये क्या करता है है हमारा हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करता है बिकॉज जब जब एजिटेटर हमारा रोटेट करेगा तो हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स होगा और सारा का सारा मटेरियल हमारा

और उसको बेसिकली एक सस्पेंडेड फॉर्म में रखता है सो so फ्रेंड्स ये बेसिकली रोल्स होते हैं जो एक एजुकेटर हमारा प्ले करता है नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एजुटेटर्स कीजुकेटर सेकेंड वन इज ऑफ टाइडल टाइप ऑफ एजुकेटर थर्ड वन इज ऑफ टर्बाइन टाइप ऑफ एजुटेटर और फोर्थ वन होता है मेरा पोपुलर टाइप ऑफ एजुकेटर फ्रेंड्स इनके बारे में मैं आगे की स्लाइड्स में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा बिकॉज हर एक एजुटेटर का एक स्पेसिफिक अपलीकेशन होता है कि कौन से एजुटेटर को हम कहां पे यूज करेंगे तो चलिए वो हम वन बाई वन करके देखते हैं एंड सबसे पहले हम बात करते हैं एंकर टाइप ऑफ एजुटेटर सो फ्रेंड्स एंकर टाइप ऑफ आप इस डायग्राम को गौर से देखिए तो इसे एंकर टाइप ऑफ एजिटेटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो सेप है वो एंकर का सेप रहता है फ्रेंड्स ये देखिए एंकर टाइप ऑफ एजिटेटर केस में इसका जो डायमीटर होता है वो 95 परसेंट होता है टैंक डायमीटर के मींस टैंक की अगर बाउंड्री इधर है ये टैंक इंटरनल जाके 95 परसेंट होता है इसका सरफेस आपके टैंक के सरफेस के काफी क्लोज होता है जिसकी वजह से आपको हीट ट्रांसफर में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है एफिशिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टर वॉल्स एंड द रिएक्शन मास फ्रेंड्स एंकर टाइप ऑफ एजिटेटर के केस में इसका ये जो एंकर होता है ये जो एजिटेटर रहता है इसका ये सर्फेस नाइन्टी होता है टैंक इंटरनल जाया के मतलब ये काफी क्लोज रहता है जिसकी वजह से हमें हीट ट्रांसफर रेट जो है वो काफी अच्छा मिलता है इस केस में फ्रेंड्स एक डिसएडवांटेज है कि हमारा जो पावर कंजम्पशन रहता है एंकर टाइप के केस में वो हमारा काफी ज्यादा रहता है नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके लिए जो हमें गेयरबॉक्स चाहिए रहता है वो काफी हैवी ड्यूटी गेयरबॉक्स चाहिए रहता है नेक्स्ट फ्रेंड्स इट इज बेसिकली फॉर स्लरी एंड स्टिकी फ्लूड्स इसको बेसिकली वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमारी स्लरी या फ्रिकी फ्लूड्स होती है और जहां पर जो रिएक्शन होता है वो मेरा या तो हाइली एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक रहता है फ्रेंड्स एंकर टाइप ऑफ एजिटेटर के बारे में कुछ बातें हमेशा याद रखिएगा लाइक like इसका डायमीटर जो रहता है वो आपके रिएक्टर के डायमीटर के इंटरनल डायमीटर के नाइनटी फाइव परसेंट रहता है Second, इसके में आपको हीट ट्रांसफर काफी अच्छा मिलता है और थर्ड ये आपको स्लरीज और स्टिकी फ्लूड्स केस में बेसिकली आप इसे यूज करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट होता है मेरा पैडल टाइप ऑफ एजिटेटर इस डायग्राम को आप गौर से देखिए ये जो एजिटेटर है इसको हम बोलते हैं बेसिकली पैडल टाइप ऑफ एजिटेटर सो फ्रेंड्स एजिटेटर पैदल टाइप ऑफ एजिटेटर इज यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ हाई विस्कस स्लो सेटलिंग स्लरीज पैदल टाइप को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हाईली विस्कस फ्लूड होता है मेरा या फिर स्लो सेटलिंग स्लरीज होती हैं वो स्लरीज जो धीरे धीरे सेटल हो सेकेंड एप्लीकेशन वेयर वेरिंग लेवल टैंक्स आर हुआ एट दिस डिजाइन फ्रेंड्स इसमें अगर कोई ऐसा केस है जहां पे हमारा जो टैंक का लेवल है वो वेरी होता रहता है

फ्रेंड्स मैं दोबारा रिपीट करता हूं पेडल टाइप ऑफ एजिटेटर के बारे में जानने वाली बातें इट इज बेसिकली यूज फॉर हाई विस्कस फ्लूड्स ये हाईली विस्कस फ्लूड्स या फिर स्लो स्लटलिंग स्लडीज के केस में यूज किया जाता है इसका जो डायमीटर होता है वो रिएक्टर के इंटरनल डायमीटर्स के पचास से अस्सी परसेंट होता है और इसको जहां पे भी टैंक का लेवल हमारा वेरी होता रहता है उस केस में काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है नेक्स्ट इस फ्रेंड्स टर्बाइन टाइप ऑफ एजिटेटर

इसके मूवमेंट की वजह से रेडियल अलोंग द रेडियस और अलोंग द टेंजेंट दोनों डायरेक्शन में आपका जो फ्लो है वो जनरेट होता है इट ऑपरेट्स एट लो स्पीड ये काफी ज्यादा लो स्पीड पे ऑपरेट करता है फॉर गैस डिस्पर्सन ऑपरेशन रेडियल टर्बाइन मिक्सचर इज यूज अगर आपको गैस का डिस्पर्सन करवाना है तो रेडियल टर्बाइन मिक्सचर हम यूज करते हैं टर्बाइन इंपेलर यूज करते हैं टर्बाइन इंपेलर हम तब यूज करते हैं जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है या फिर सस्पेंडेड सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग होती है बेसिकली हम इस केस में 45 डिग्री पिंच ब्लेड्स का यूज करते हैं बिकॉज स्ट्रेट ब्लेड्स के केस में हमारा जो इस ये देखिए ये आपकी ब्लेड्स हैं अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट ब्लेड्स यूज करते हैं तो इन डेट केस में हमारी पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा आती है सो फ्रेंड्स टंबाइन टाइप ऑफ एजुकेटर्स केस में कुछ जानने वाली बातें कि इसका जो डायमीटर होता है वो थर्टी टू फिफ्टी होता है टैंक डायमीटर के इसको बेसिकली वहां पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पे हमारी लिक्विड गैस रिएक्शन होती है ये लो स्पीड पे ऑपरेट करता है और

आपका जो फैन रहता है वो पोपुलर सेप का ही रहता है सो so फ्रेंड्स अगर हम पॉपुलर टाइप ऑफ एजुटेटर की बात करें तो ये देखिए इस तरीके का इसका सरफेस रहता है आपके पॉपुलर टाइप ऑफ एजुटेटर का इस तरीके की इसकी ब्लेड्स रहती हैं फ्रेंड्स है टाइप ऑफ एजुटेटर के बारे में जानने वाली बात यह है कि ये आपका एक्सील डायरेक्शन में मूवमेंट देता है फ्रेंड्स प्रोपेलर टाइप ऑफ एजुटेटर गिव्स मूवमेंट इन एक्सील डायरेक्शन सेकेंड इसके केस में जो एनर्जी कंजम्पशन रहता है वो काफी ज्यादा लो रहता है लो टर्बुलेंस क्रिएट करता है ये एंड यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ लो टू मीडियम विस्कोसिटी फ्लूड्स सो फ्रेंड्स पॉपुलर टाइप ऑफ एजिटेटर के बारे में जानने वाली कुछ बातें जो आपको हमेशा दिमाग में होनी चाहिए दैट इच इज बेसिकली यूज फॉर लो टू मीडियम विस्कोसिटी फ्लूड्स इसको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे फ्लूड्स की विस्कोसिटी लो से मीडियम लेवल पे होती है ये जो हमारा रहता है ये काफ़ी कम टर्बुलेंट क्रिएट करता है और इसके केस में हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो हमें काफी कम मिलता है सो so फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने कंपाइल किया डिफरेंट टाइप ऑफ एजुटेटर्स के जैसा कि आपने देखा कि हर एक एजुटेटर का एक स्पेसिफिक रोल रहता है डिपेंडिंग ऑन द किस तरीके का मटेरियल हैंडल कर रहे हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, किसकी में विस्कोसिटी ज्यादा है किसमें विस्क्वासिटी कम है कौन सा लिक्विड गैस के में यूज किया जाता है कौन सा एक्सोथर्मी एक्शन में यूज किया जाता है कौन सा हाईली विस्कस फ्लूड्स के लिए यूज करता है कौन सा लो विस्क्सिटी फ्लूड्स के लिए यूज होता है सो फ्रेंड्स होप आज के इस लेक्चर से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के एजुकेटर को बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा सो फ्रेंड्स होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है टिल देन फ्रेंड्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो बेसिकली है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीम ट्रैप्स कितने तरीके के स्टीम ट्रैप्स होते हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो स्टीम ट्रैप्स कैसे काम करते हैं और उनका क्या रोल होता है टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे